नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 मार्च, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर सुर्खियों पर। होली को लेकर मद निषेध विभाग चला रही विशेष अभियान। बीएसईबी ने जारी की 10वीं की आंसर की। होली के बाद इन ट्रेनों से घर से जाए वापस। इस बार का बिहार दिवस होने वाला है खास। फ्री में देखिए गुजरात जायंट और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच WPL का मैच। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज है रंगों का त्योहार होली। आज यानी कि 8 मार्च को पूरे देश भर में होली मनाई जा रही है। बता दें कि होली एक लोकप्रिय प्राचीन हिंदू त्योहार है, जिसे रंगों का त्योहार या वसंत का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि होली हिंदू कैलेंडर के अनुसार वसंत के आगमन और फाल्गुन के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की शाम से शुरू होकर एक रात और एक दिन तक चलता है। वहीं अगर बात इंग्लिश कैलेंडर की करें तो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार होली मार्च महीने में पड़ता है। मालूम हो कि आज के दिन में लोग एक दूसरे को रंग लगाकर और गुलाल से अपनी खुशियां जाहिर करते हैं। इसके साथ ही आज के दिन सभी के घरों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जाते हैं। केंद्र सरकार ने 5,369 सरकारी नौकरी के लिए अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार के कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, निदेशालय आदि में कुल 5,000 से अधिक सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की गई है। आयोग द्वारा सोमवार 6 मार्च 2023 को जारी SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 भर्ती 2023 अधिसूचना के मुताबिक 10वीं, 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के लिए कुल 5,369 पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया का आयोजन किया गया है। मालूम हो कि इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 मार्च से शुरू हो चुकी है, जो कि 27 मार्च 2023 तक चलने वाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इसमें आवेदन करने के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। होली को लेकर मद निषेध विभाग चला रही विशेष अभियान। आज होली है और ऐसे में मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा राज्य में होली को देखते हुए विशेष अभियान चलाई जा रही है। बता दें कि इस अभियान की शुरुआत बीते दिन यानी कि मंगलवार से की जा चुकी है, जो आज रात तक चलने वाली है। बता दें कि इस अभियान के दौरान सभी चौक चौराहों से लेकर उन सभी स्थलों पर विशेष जाँच की व्यवस्था की गई है जो संवेदनशील स्थलों में आते हैं। वहीं इस अभियान को पूरा करने के लिए मद निषेध विभाग के सभी पदाधिकारी व पुलिस कर्मियों की होली की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। मालूम हो कि मद निषेध विभाग के सभी पदाधिकारी कर्मियों से लेकर डॉग स्क्वाड, ड्रोन सहित पूरी व्यवस्था को ऑन और अलर्ट मोड में रखा गया है। इसके अलावा रात में उन स्थलों की गश्ती और छापेमारी भी की जा रही है जो संवेदनशील इलाकों में आते हैं। बीएसईबी ने जारी की 10वीं की आंसर की। बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए 10वीं की आंसर की जारी कर दी गई है। बता दी कि इस आंसर की को देखने के लिए 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। वहीं अगर छात्र आंसर की पर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए 10 मार्च 2023 तक की तारीख निर्धारित की गई है। यानी कि छात्र छात्रा 10 मार्च 2023 तक आंसर की को लेकर अपने किसी भी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट के बाद किए गए आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छात्र छात्राओं को आंसर की देखने के लिए सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद होम पेज पर मौजूद रजिस्टर ऑब्जेक्शन मैट्रिक एग्जाम 2023 पर क्लिक करना होगा, जहां अभ्यर्थियों के सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें वह अपने लॉगिन डिटेल्स डालकर उसे सबमिट कर देंगे और फिर आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे। होली के बाद इन ट्रेनों से घर से जाए वापस। कुछ समय पहले लोगों में यह चिंता थी कि होली में घर कैसे जाए। वहीं अब होली के बाद लोगों को यह चिंता सता रही है कि वह घर से वापस कैसे लौटे। बता दें कि यात्रियों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए रेलवे के द्वारा यात्रियों के वापस लौटने को लेकर कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन का शुरुआत किया गया है। बता दें कि जिन स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की गई है उसमें 9 मार्च 07220 दानापुर हैदराबाद, 08794 पटना दुर्ग स्पेशल, 03255 पटना आनंद विहार, 10 मार्च 03251 राजगीर आनंद विहार, 11 मार्च को 09344 पटना डॉक्टर आंबेडकर नगर, 09818 दानापुर कोटा, 12 मार्च को 03255 पटना आनंद विहार, 13 मार्च को 03251 राजगीर आनंद विहार, 02156 दानापुर रानी कमलावती हबीबगंज, 16 मार्च को 03255 पटना आनंद विहार, 17 मार्च 03251 राजगीर आनंद विहार, 18 मार्च 09344 पटना आम्बेडकर नगर, 19 मार्च को 03255 पटना आनंद विहार, 20 मार्च को 03251 राजगीर
आनंद विहार और 23 मार्च को 03255 पटना आनंद विहार ट्रेन शामिल है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे रामशिला हिल के बारे में। गया में विष्णुपद मंदिरों से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामशिला हिल्स गया शहर में सबसे प्रसिद्ध पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। पहाड़ी के ऊपर एक प्राचीन मंदिर स्थित है जिसे 1014 ईस्वी में बनाया गया था। बाद में इस मंदिर में कई पुनर्निर्माण का काम भी करवाया गया है। मंदिर के सामने बना एक मंडप एक ऐसा स्थान है जहाँ भक्त पितृपक्ष के समय पितरों को पिंड चढ़ाते हैं। पहाड़ी के ऊपर रामेश्वर मंदिर विराजमान है जहाँ भगवान राम ने पहाड़ी पर पिंड चढ़ाया था। कई हिंदू भक्त पितृपक्ष के समय रामशिला पहाड़ी पर आते हैं, वहां ये अपने पूर्वजों का पिंड चढ़ाते हैं। रामशिला पहाड़ी विष्णुपद मंदिर से 8 किलोमीटर उत्तर में फल्गु नदी के किनारे स्थित है। ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में अपने वन प्रवास के दौरान भगवान राम ने रामकुंड सरोवर में स्नान करने के बाद इसी पहाड़ी पर अपने पिता दशरथ जी का पिंड दान किया था। बिहार के शिक्षकों को अब नहीं करना होगा अन्य कार्य। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा कही बातों के अनुसार अब बिहार के शिक्षकों को 3 विशेष कार्यों को छोड़कर कोई अन्य कार्य नहीं करना होगा। बता दें कि वह 3 विशेष कार्य 10 वर्षीय जनगणना, आपदा में सहायता और संसद विधानमंडल और स्थानीय निकायों के कार्य शामिल है। यानी कि अब इन 3 कार्यों को छोड़ बिहार के शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग रखा जाएगा और उनकी नियुक्ति ऐसे कार्यों में नहीं की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बात प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा बिहार विधान परिषद में एक गैर सरकारी संकल्प जवाब में कहा गया। इसे लेकर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा सदन को आश्वस्त भी किया गया है। होली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार प्रशासन अलर्ट। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक अन्य मार्ग स्थित आवास पर बैठक बुलाई गई। दरअसल यह बैठक होली के त्योहार के दौरान बिहार में विधि व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे इसलिए बुलाई गई थी। डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी और एसएसपी राजीव मिश्रा को होली के दौरान राज्य में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त किए जाने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री ने तलब किया था। बता दें कि होली को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी भी मुख्यमंत्री द्वारा ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी और पटना एसएसपी से मुख्यमंत्री द्वारा फीडबैक भी लिया गया। फीडबैक लेने के बाद कई जरूरी दिशा निर्देश को मुख्यमंत्री द्वारा जारी किया गया। आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना होली में न करना पड़े इसे लेकर बिहार पुलिस बिहार में पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। खुशखबरी, महिला किसानों से अंडा, मशरूम और मधु खरीदेगी सरकार। बामेती में आयोजित एक कार्यक्रम में पटना में कृषि विभाग के सचिव द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई है। बता दें कि मशरूम, अंडे और मधु को सरकार द्वारा महिलाओं से खरीदा जाएगा जिससे महिला किसान फायदे में रहेंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार के रूप में इन अंडों को शामिल किया जाना है। उसके बाद मध्याह्न भोजन के रूप में मशरूमों को शामिल किया जाना है। दरअसल इस बात की जानकारी कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि महिला किसानों से शहद, मशरूम के साथ अंडा भी सरकार खरीदेगी। इन अंडों को आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के आहार में शामिल किया जाएगा। साइबर ठगी मामले में बिहार के 2 शातिरों को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस द्वारा साइबर ठगी के मामले को लेकर बिहार के मुंगेर में छापेमारी की गई है जिनमें 2 आरोपितों को छापेमारी के दौरान जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। दिसंबर 2022 में गिरफ्तार हुए इन दोनों ही युवकों ने मुंबई के एक महिला को साइबर ठगी का शिकार बनाया था। 2,70,990 रुपए तक की ऑनलाइन ठगी इन दोनों युवकों ने खुद को बैंक का नोडल अधिकारी बताकर महिला के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते से की थी। मुंबई पुलिस से महिला ने इस मामले की शिकायत कर दी जिसके बाद मुंगेर पुलिस की मदद से मुंबई पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस बार का बिहार दिवस होने वाला है खास। राज्य में इस बार बिहार दिवस के मौके पर बिहार सरकार के द्वारा एक जश्न का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस जश्न का आयोजन राज्य में इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ दिनों बाद बिहार के साथ एक शुभ अंक जुड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं बिहार दिवस की, जो कि हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार का बिहार दिवस बिहार वासियों के लिए इसलिए खास है क्योंकि इस वर्ष बिहार पूरे 111 साल का होने वाला है। इस दौरान राज्य के हर जिले में अलग अलग तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। बता दें कि इस बार बिहार दिवस की थीम युवा शक्ति, बिहार की प्रगति रखा गया है। वहीं यह पहला मौका होगा जब बिहार दिवस भूटान में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए भूटान की सरकार की ओर से बिहार के सरकार को भी न्योता भेजा गया है। राज्यपाल और सीएम से प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने की मुलाकात। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में 2020-21 के 7 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेडकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। बता दें कि उन्होंने यह मुलाकात राज्यपाल से राजभवन में और मुख्यमंत्री से एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में की। इस दौरान इन अधिकारियों के द्वारा अपनी ट्रेनिंग में किए गए कार्यों के संबंध में अपना अनुभव साझा किया गया।
इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सभी अधिकारियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं राज्यपाल के द्वारा कहा गया कि वह लोक सेवक है और इसे ध्यान में रखकर लोगों के लिए कार्य करे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 7 प्रशिक्षु IPS अधिकारियों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उनमें शेखर चौधरी, अपराजित, वैभव चौधरी, सोनाक्षी सिंह, भानु प्रताप सिंह, परिचय कुमार और दीक्षा के नाम शामिल है। चुनाव को लेकर वार्ड वार मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम जारी। 31 नगर निकाय के आम चुनाव और पंचायत उपचुनाव के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 3,298 पदों के चुनाव को लेकर वार्ड वार के अनुसार मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। बता दें कि वार्ड वार मतदाता सूची का विखंडन 13 मार्च से शुरू होगा। इस बात की जानकारी आयोग द्वारा मंगलवार को दी गई। 24 अप्रैल को पंचायत उपचुनाव को लेकर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। वहीं 3 मई को नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जब सूची प्रकाशन का कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद चुनाव के कार्यक्रम को निर्धारित किया जाएगा। मालूम हो कि राज्य के 21 जिलों में स्थित 31 निकायों के चुनाव किए जाएंगे। अब आधार से ऑटो अपडेट हो जाएंगे डिजी लॉकर के सभी दस्तावेज। बहुत जल्दी सरकार के द्वारा लोगों की एक बड़ी मुसीबत को आसान करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के द्वारा लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा रहा है, जिससे डिजी लॉकर में रखे सभी दस्तावेज को आधार से ऑटो अपडेट किया जा सकेगा। बता दें कि ईटी की रिपोर्ट के अनुसार ईटी और इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय इसे आकार देने को लेकर कई मंत्रालयों से चर्चा कर रही है। मालूम हो कि इसके पहले चरण के तहत जिन विभागों के लिए सुविधा जारी किया जाएगा, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे चीजें शामिल है। वहीं दूसरे चरण में पासपोर्ट के लिए सुविधा को जारी कर दिया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह एक भारतीय राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री थे। यह भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक तथा राजनीतिज्ञ रहे हैं। बता दें कि इन्होंने महात्मा गांधी एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी गिनती आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक में की जाती है। लोकप्रिय होने के कारण इन्हें बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। मालूम हो कि डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह देश के स्वाधीनता संग्राम के महान नायकों में एक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले उनके प्रिय अनुयायी थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह एवं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की जोड़ी को साल माना जाता है। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध चंपारण से अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। इन्हें देश के उन गिने चुने सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से माना जाता है, जिन्होंने अपने छात्र जीवन से लेकर अंतिम दिनों तक राष्ट्र और समाज की सेवा की। बिहार में बारिश को लेकर बड़ी जानकारी। बिहार में अब गर्मी ने दस्तक दे दी है, लेकिन ऐसे में देश के पश्चिमी हिस्से में इस समय प्री मानसून गतिविधियों ने जोर पकड़ा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश, ओले व तेज हवाएं चली हैं, जिससे फसलों को भारी क्षति पहुंची है। इस कारण ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 मार्च यानी कि आज से 10 मार्च के बीच भागलपुर समेत बिहार के कई जिलों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही पश्चिमी या पछिया हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दूर दराज इलाके में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, हालांकि भारी मात्रा में बारिश की कोई संभावना नहीं है। बता दें कि आज से 10 मार्च के दौरान अधिकतम तापमान में कमी आने की संभावना जताई गई है। वहीं 11 मार्च से एक बार फिर अधिकतम तापमान में वृद्धि संभव है। पुलिस ने गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाले को पकड़ा। बीते दिन पुलिस ने गया हवाई अड्डे के साथ साथ देश के कई हिस्सों में धमकी देने वाले मास्टरमाइंड को पकड़ लिया है। पुलिस ने उस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करके बीते दिन उसके कारगुजारियों का खुलासा किया। दरअसल गया शहर का ही रहने वाला मास्टरमाइंड अपने पारिवारिक परेशानियों की वजह से सिरफिरे की तरह धमकी और अफवाह फैलाकर अपने परिवार वालों को दिग्भ्रमित करना चाह रहा था। इस बात की जानकारी SSP आशीष भारती द्वारा दी गई। पुलिस द्वारा इस बात की जानकारी भी दी गई है कि आरोपी का नाम विनीत कुमार है और वह सिंचाई विभाग में इंजीनियर के पद से बर्खास्त है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने वाराणसी एयरपोर्ट के साथ साथ गया एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी भरी चिट्ठी लिखी थी। लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर CBI ने पूछताछ के दौरान फॉलो किए हेल्थ प्रोटोकॉल। CBI की टीम दिल्ली में सांसद मीशा भारती के आवास पर पटना में राबड़ी देवी से पूछताछ के अगले दिन मंगलवार को पहुंची। यहां लालू यादव से CBI की टीम द्वारा 2.15 मिनट तक पूछताछ की गई, जहां CBI की ओर से दस्तावेज दिखाते हुए लालू प्रसाद यादव से सवाल जवाब पूछे गए। इस पूछताछ के दौरान लालू यादव के स्वास्थ्य को देखकर हेल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया और वीडियोग्राफी भी करवाई गई। बता दें कि CBI द्वारा मास्क पहनकर और ग्लव्स लगाकर उचित दूरी को ध्यान में रखते हुए पूछताछ किया गया। लालू यादव की बेटी मिशा भारती भी CBI द्वारा पूछताछ के दौरान अपने पिता के साथ मौजूद रही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पूछताछ CBI द्वारा 2 राउंड में पूरी की गई। तमिलनाडु मामले को लेकर CM नीतीश से DM के वरिष्ठ नेता ने की मुलाकात।
डीएमके वरिष्ठ नेता टीआर बालू तमिलनाडु मामले को लेकर बिहार में जारी सियासत के बीच पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। दरअसल इस मुलाकात को तमिलनाडु में मजदूरों पर कथित हमले की खबरों के बाद काफी अहम माना जा रहा है। टीआर बालू बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात करने राबड़ी आवास पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में है। दरअसल सीबीआई की टीम मिशा भारती और लालू यादव से पूछताछ के लिए मिशा भारती की आवास पहुंची थी। इसी मामले को लेकर तेजस्वी दिल्ली पहुंचे हैं। नागालैंड में जेडीयू के एकमात्र एमएलए ने बीजेपी को दिया समर्थन। नागालैंड में हुए चुनाव में इस बार जेडीयू के केवल एक उम्मीदवार को जीत मिली थी। वहीं अब इस उम्मीदवार के द्वारा भी बिना किसी शर्त के बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार को समर्थन दे दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी नागालैंड में विपक्ष नहीं था और इस बार भी विपक्ष के एक भी सदस्य नहीं है। ऐसे में सभी दल के विधायक सरकार के साथ है। हालांकि नेताओं के समर्थन को लेकर जेडीयू के नागालैंड प्रभारी अफाक खान का कहना है कि पार्टी ने कोई समर्थन का फैसला नहीं लिया है। रोहिणी आचार्य पापा को कुछ हुआ तो दिल्ली तक कुर्सी हिला देंगे। सीबीआई की पूछताछ बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में चल रही है। इसी दौरान धमकी भरे अंदाज में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पापा को ये लोग लगातार परेशान कर रहे हैं, अगर उनके तंग करने के कारण उन्हें जरा सी भी परेशानी हुई तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त की सीमा जवाब दे रही है। जानकारी हो कि बीते दिन दिल्ली स्थित मिशा भारती के घर पर सीबीआई की टीम लालू यादव से पूछताछ करने पहुंची थी। वहीं बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी से भी पटना में सीबीआई द्वारा लैंड फॉर जॉब घोटाले वाले मामले में लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की गई थी। बता दें कि यह पूछताछ सीबीआई द्वारा 2 राउंड में। फ्री में देखिए गुजरात जायंट और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच WPL का मैच। अगर आप भी आज होने वाले महिला प्रीमियर लीग के मैच को फ्री में देखना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के अवसर पर महिला प्रीमियर लीग के आयोजकों के द्वारा सभी लोगों के लिए आज यानी 8 मार्च को होने वाले महिला प्रीमियर लीग के मैच को मुफ्त में देखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बता दें कि आज का यह मैच गुजरात लॉयंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बात की जानकारी आयोजकों के द्वारा दी गई है। आयोजकों के द्वारा यह पहल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए एकजुटता दिखाने के लिए की गई है। बता दें कि आज का यह मैच गुजरात जायंट और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बात की जानकारी आयोजकों के द्वारा दी गई है। आयोजकों के द्वारा यह पहल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए एकजुटता दिखाने के लिए की गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। गुजरात के बहादुर शाह ने 1534 में चित्तौड़गढ़ को लूटा। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया। एयर इंडिया इंटरनेशनल की 1948 में स्थापना हुई। फिल्म फेयर ऑफ फुटपाथ ने 2008 में काहिरा इंटरनेशनल फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रेन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत के अग्रणी गोल्फ खिलाड़ी ज्योति रंधावा ने 2009 में थाईलैंड ओपन खिताब जीता। गांधी स्मारक निधि के प्रथम अध्यक्ष गांधीवादी नेता स्वतंत्रता सेनानी और पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव का 1889 में जन्म हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ और ब्रिटिश भारत के उड़ीसा प्रांत के मुख्यमंत्री विश्वनाथ दास का 1889 में जन्म हुआ। भारतीय कलाकार दामेरला रामा राव का 1897 में जन्म हुआ। आज के दिन को ही महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बालकर में आज हम बात करेंगे पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने रक्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर ID4 ब्लड ऑन कॉल लॉन्च किया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा भ्रामक है। भारत सरकार ने ऐसा कोई सेवा शुरू नहीं किया है। कुछ राज्यों में इस नंबर का प्रयोग विभिन्न हेल्पलाइन सेवा के लिए किया जाता है। व्हाट्सएप से कुछ इस अंदाज में दे होली की बधाई। आज देश भर में रंगों का त्यौहार होली मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोगों को व्हाट्सएप पर होली के मैसेज वीडियो आने आलक पैच सुबह से ही लोगों को व्हाट्सएप पर होली के मैसेज वीडियो आदि आने लगते हैं। ऐसे में आप भी इस पर अपनों को होली की बधाई व्हाट्सएप के कुछ खास फीचर्स के जरिए यूनिक तरीके से दे सकते हैं। सबसे लोकप्रिय और आसान ये है कि आप होली के स्टिकर अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के वीडियो या वॉइस कॉल फीचर का इस्तेमाल करते हुए परिवार दोस्तों के साथ लाइव होली को अटेंड कर सकते हैं और खुशी के इस त्यौहार में सबके साथ शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट फीचर का इस्तेमाल करना है। इस फीचर की खास बात यह है कि सामने वाले व्यक्ति को ये बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आपने एक साथ कई लोगों को मैसेज किया है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रवि रंजन, कुश कुमार यादव, विपिन लाल वर्मा, अशोक कुमार झा, योगेंद्र रजक, नन्नू गोलू कुमार, शंकर मुखिया, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, मुटू रंगीला, राजेंद्र सिंह, उमेश ऋषिदेव, गौतम कुमार, कविता कुमारी, अनिल कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप होली कैसे मना रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।